फ्यूल कंजम्पशन को कम करवाए और अपने साथ अपने घर एक नए चमचमाती ईवी दार्जिलिंग हीरो से अपने घर लेकर जाए। नमस्कार, इस वक्त दार्जिलिंग हीरो शोरूम के बाहर हम खड़े हैं, जो कि सिचुएटेड है बर्दवान रोड में। जी हाँ, बर्दवान रोड रिलायंस और बर्दवान रोड विशाल के ठीक बीच में दार्जिलिंग हीरो शोरूम सिचुएटेड है और यहाँ पर एक ऐसी ईवी की ग्रैंड लॉन्च होने वाली है जिसके बारे में तमाम जानकारी हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर और आपको हिस्सा बनाते हैं ग्रैंड लॉन्च ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। क्या नाम है, क्या सब कुछ होने वाला है, ये हम आपको जरूर से थोड़ी देर में बताने वाले हैं। प्लीज अंदर की ओर चलते हैं। इसी बीच में हम आप सभी को बता दें, एनवायरनमेंट को लेकर कॉन्शियस तो आजकल सभी लोग हो रहे हैं। सभी को पता है कि व्हीकल से जो फ्यूम्स निकलता है वो कितना ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो इसी बीच अगर आप कुछ करना चाहते हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एक छोटा सा पहल अगर आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप स्विच कर सकते हो ईवी की ओर। तो यहाँ पर हम आप सभी को बता दें, हम अंदर आ चुके हैं ऑफ दार्जिलिंग हीरो, जहाँ पर दो ऐसे चमचमाती ईवी को ढक कर रखा गया है। बस आप सभी के साथ में ये जो है अनवील यहाँ पे किया जाएगा और जिस तरीके से यहाँ पर लोग एक्साइटेड है, कस्टमर्स ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, प्री बुकिंग इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम इस लाइव वीडियो के दौरान जरूर कोशिश करेंगे कि आप सभी के जितने भी क्वेरीज है उसको हम सॉल्व कर सके। एक बार फिर से हम एड्रेस की बात करें तो हम इस वक्त खड़े हैं दार्जिलिंग हीरो, जो कि सिचुएटेड है बर्दवान रोड में। जी हाँ, रिलायंस और विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बीच में ये जो शोरूम है ये सिचुएटेड है और मेरे पीछे यहाँ पर अनवील अभी किया जाएगा कौन से व्हीकल का, ये तो आप देखने ही वाले हैं। सो ऑन द काउंट ऑफ थ्री यहाँ पर जो है अनवील किया जाएगा, 3, 2, 1। और इसी के साथ यहाँ पर आपको चमचमाती ईवी का जो लुक है वो फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रहा है। बता दें, इस वक्त वीडा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसका ग्रैंड लॉन्च किया गया है। यहाँ पर व्हीकल के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन एक बेहतरीन स्विच जो आप कर सकते हैं अगर आप एनवायरनमेंट की तरफ जो है अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो यू कुड स्विच योर नॉर्मल व्हीकल, नॉर्मल फ्यूल व्हीकल टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो अभी आपको हम लुक दिखा रहे हैं ऑफ वीडा। जी हाँ, दिस इज पावर्ड बाय हीरो। इसी के साथ अभी यहाँ पर जो है केक कटिंग किया जाएगा, केक कटिंग सेरेमनी भी हम आपको दिखाएंगे। किसी भी शुभ चीज की शुभ शुरुआत आजकल केक कटिंग के माध्यम से की जाती है। बता दें, इस वीडा वेरिएंट में आपको 5 कलर ऑप्शंस यहाँ पे मिलने वाला है। 110 किलोमीटर पर चार्ज के ऊपर जो है बैटरी इसकी चलेगी और क्या क्या तमाम स्पेसिफिकेशंस रहते हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन केक कटिंग के लिए यहाँ पर केक सज कर तैयार है। और इसी के साथ अभी यहाँ पर केक कट कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप सभी को हम बताएंगे कि क्या क्या इस पर्टिकुलर व्हीकल के, इस पर्टिकुलर ईवी की स्पेसिफिकेशन है। इसी बीच अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर रोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना है ये बस अब जब व्हीकल के बारे में हम आप सभी को बताएंगे तब आपको इस बारे में जानकारी जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है केक कटिंग किया जा रहा है। आप सभी को बता दें, केक कटिंग यहाँ पे हो चुका है, ग्रैंड लॉन्च ऑफ वीडा यहाँ पर कर लिया गया है। और अभी इसी के साथ हमारे साथ में जो स्टोर के शोरूम मैनेजर है सुमित सिंह जी, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो जरूर से आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इस ईवी की रखी गई है। तो सबसे पहले तो सुमित जी, आपका स्वागत है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हीरो है तो भरोसा है, हीरो है तो पावर है, एंड दिस इज पावर्ड बाय हीरो। तो क्या ईवी में नया आया है? इसमें सबसे अच्छी चीज तो ये आई है कि आपके पास रिमूवेबल बैटरी है। प्लीज दिखाइए। ठीक है, वो आपको दिखा देते हैं आपको। उसके अलावा फास्ट चार्जिंग का सारा सपोर्ट है और इसमें जो रिमूवेबल बैटरी है इसका बेनिफिट हमें, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा कि आप किस अपार्टमेंट में रहते हैं तो नीचे नॉर्मली क्या है कि पावर वो कर नहीं सकते चार्ज, तो वो बैटरी निकाल के इवन लेडी हो या कोई भी हो, बच्चा हो, ले जाके आप चार्ज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं वो सुन के काफी लोग इंटरेस्टेड हो रहे होंगे, लेकिन बोलते बोलते अगर आप दिखाते हुए ये करेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर हो भी रहा है। ओके जी,
ये चीज़ है। रायन जी लिख रहे हैं कि प्राइस प्लीज, तो हाँ बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस के बाद प्राइस में हम जरूर आएंगे, आप बने रहे और इस वीडियो को देखते रहे। ये इसका चार्जर है जी, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ये पूरा बॉक्स मिल जाएगा बिल्कुल आपके स्टोरेज के लिए। ये जो चार्जर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा जी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तो बैटरी यहाँ पर रखी गई है विच इज अगेन लाइट वेट है, तो कोई भी इसे उठा सकता है। दो बैटरी है जी, ये बैटरी आपने ऐड भी देख रहे होंगे नॉर्मली जो, तो वो चीज़ ये बैटरी है, ये ले जाके आप घर पे ले जाके इसको आराम से अलग से चार्ज कर सकते हैं। और ये दोनों बैटरी चार्ज होने में 5 घंटे के आसपास, 5 से 5.5 घंटा लगेगा चार्ज होने में, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज करने के लिए अगर आपके पास पार्किंग में सुविधा नहीं हो तो वहाँ पे भी आप बैटरी को निकलवा के अपने घर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे चार्ज करके वापस लेकर आ सकते हैं जी। तो ये कह सकते हैं कि ये बेनिफिट है, 2-in-1 ये होगा क्योंकि बैटरी एज इट इज आप कर सकते हो। अगर आप देखेंगे इंडिया में, पूरे इंडिया में सिर्फ इसी गाड़ी में आ रहा है अभी तक जी, और किसी में भी आप लेने जाएंगे किसी ब्रांड अदर ब्रांड में जाएंगे तो उसमें आपको अलग से वो करना ही पड़े, मतलब बैटरी इनबिल्ट ही आ रहा है। ओके, इसमें बैटरी का ये चीज हो बिल्कुल। यहाँ पे जो है डिस्प्ले लगाई गई है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसमें आपका ना जैसे मैं इसको स्टार्ट ये मन कर ये इस वन इससे स्टार्ट हो जाएगा, ऑन इससे होगा, ये बैटरी 100% चार्ज है। इसमें ये इको मोड में आपको 114 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, चार मोड हैं जी। वन टच में ये स्टार्ट हो जाएगा, ये मोटर ऑन हो गया इसमें, ठीक है। इसमें इको मोड है जिसमें 114 की रेंज मिल रही है आपको, उसके बाद में राइड मोड है जो 86 की रेंज दे रहा है, स्पोर्ट मोड है 75 की रेंज दे रहा है। इसमें क्या रहेगा कि इको मोड में आप सिटी राइड के लिए अच्छा है कि आप 40-50 की स्पीड में नॉर्मली चलाना चाह रहे हैं तो वो आराम से चलेगा। उसके बाद राइड मोड में क्या है कि आप 60-65 लेके जाना चाह रहे हैं तो उसमें राइड मोड आ जाएगा। फिर स्पोर्ट मोड में क्या है कि आप थोड़ा फुल स्पीड में जाना चाह रहे हैं 80 स्पीड में तो वहाँ पर ये स्पोर्ट मोड काम करेगा। इसके अलावा एक मोड और है कस्टम मोड। कस्टम मोड में क्या है कि 100+ कॉम्बिनेशन हैं, वो आप अपने फ़ोन ऐप से इसको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आप कौन सा मोड किस हिसाब से सेट करना है, वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी? लोड बेयरिंग नॉर्मली जो स्टैंडर्ड स्कूटर का पेट्रोल व्हीकल का जो रहता है वो ये आराम से कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर जो रायन जी है वो प्राइस के बारे में भी पूछ रहे हैं। हाँ, अभी इसका प्राइस अगर ऑन रोड पे जाएंगे 1.85 के राउंड है, उसके बाद में आपको 22,000 का सब्सिडी मिल जाता है जी, तो उसमें आपका प्राइस चला जाएगा 1.6 के राउंड। ओके, ठीक है। और ये 1.6 पड़ेगा आपको, 1.6 सिलीगुड़ी राउंड बंगाल, या फिर आप इसका बोलेंगे कि बंगाल का 1.6 जाएगा। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि बाद में आपको सिर्फ बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी, पेट्रोल के बढ़ते दाम से इससे कोई मतलब नहीं होगा। ओके, जब जब पेट्रोल के प्राइसेस स्काई रॉकेट करते हैं तब तब जो है मांग उठती है कि पेट्रोल काफी हाई हो रहा है, लेकिन अगर आप स्विच करते हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ तब ना सिर्फ आप एनवायरमेंट को बचा रहे हो बल्कि अपने पॉकेट को भी बचा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर आप यूज करते हो तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी इससे फायदा होता है। इस वक्त अभी फिलहाल हमारे साथ में संजय जी ने कमेंट किया है और वो लिखते हैं कि एक्सचेंज ऑफर क्या अवेलेबल है? अवेलेबल है जी। इसके अलावा और भी काफी ऑफर है। ओके। जैसे अभी आज ही की डेट में आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और इस गाड़ी को बुक करते हैं तो वहाँ पे इंस्टेंट आपको 40,000 भी मिलेगा, तो आपका इस गाड़ी का जो दाम 1.85 था जी? वो आपका ऑन रोड सिलीगुड़ी आ जाएगा 1.2 के अराउंड। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट स्पीड कितना जाएगा? 80। ओके, 80 जाएगी, तो हाईएस्ट स्पीड 80 जाएगा। और इको मोड में अगर बात करें तो 110 तक रेंज है इसका, रेंज इसका रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सोनू जी फिर से लिखते हैं कि बैटरीज की एवरेज जो रिचार्ज कब तक आपको करवाना पड़ेगा? ये 110 110 में जैसे इको किलोमीटर पे जाएगा जी? उसके बाद में आपको रिचार्ज कर कीजिए, उसको चार्ज कीजिए, रात को चार्ज कीजिए, दिन में चलाइए। ओके, और वारंटी रहेगी क्या स्कूटी की? वारंटी, हाँ इसका वारंटी है, स्कूटर का वारंटी 5 साल 50,000 किलोमीटर का, बैटरी का वारंटी आपका 3 साल है
और 30,000 एक्सटेंडेड वो भी चल रहा है, तो उसमें आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर हो जाएगा बैटरी का। और एक और चीज, अगर कोई एक्स्ट्रा बैटरी परचेज करना चाहे बैकअप में रखने के लिए, तो एक्स्ट्रा बैटरीज अवेलेबल है? नहीं, अभी उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वो जो रहेगा आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा उस चीज का। हाँ, तो होपफुली मनोजीत जी आपका सवाल हमने आंसर कर दिया हो। चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की ओर, और क्योंकि आज धनतेरस है तो ऐसे ऑफर्स तो यहाँ पर लाया ही गया है और लॉन्चिंग हमने आपको दिखाई है, ऑफर्स के बारे में भी बात करना जरूर बनता है। हाँ, ऑफर का मैंने बताया आपको कि आप अभी के अभी अगर फ्लिपकार्ट पे जाके इस गाड़ी को परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक शोरूम जो दिखाई देगा 1.45900 दिखाई देगा, उसके बाद में उस पे ऑफर 40,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास ये वो, इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा नेट बैंकिंग ऊपर 35,000 का, तो वो हो गया। उसके बाद ऑन रोड लेके आपको ये पड़ जाएगा 1.28 के अराउंड पड़ जाएगा। okay. तो आपको काफ़ी अच्छा खासा लेके चलिए 62,000 के अराउंड आपको डिस्काउंट अभी मिल जा रहा है अभी बुकिंग करने का। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल सब कुछ कवर किया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, ऑफर्स क्या क्या है, ये चीजें हमने आपको बताई है। ग्रैंड लॉन्च ऑफ वीडा हमने आप सभी को दिखाया है। वेरिएंट, कितने कलर वेरिएंट अवेलेबल है? इसके 5 कलर आते हैं, ऑरेंज, सियान, ग्लोसी ब्लैक, रेड और वाइट। ओके, और अगर हम बात करें प्री बुकिंग की, तो ऑलरेडी कितनी प्री बुकिंग हो चुकी है? अभी का बात कर रहे हो, अभी 10 बुकिंग हो गए। 10 बुकिंग हो गया हो, अभी कस्टमर्स भी आए हैं, वो अभी टेस्ट राइड लेके बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑफर है ना, मेन चीज़ ये है ना कि ये जो फ्लिपकार्ट का जो ऑफर है वो कल तक ही है, 11 नवंबर तक ही है, तो उस पर क्या है कस्टमर उसको वो नहीं कर रहे हैं हाथों हाथ उस चीज़ को करने के। हमारे जैसे कस्टमर आए हुए हैं डिलीवरी के लिए, तो आपका उनसे भी बात करवाएंगे एक बार, तो वो डिलीवरी लेंगे गाड़ी आज। जी बिल्कुल, तो बुकिंग के बाद हम 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन करके उसका डिलीवरी कर दे रहे हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि बुकिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कस्टमर्स ऑलरेडी डिलीवरी लेने के लिए आ चुके हैं, टेस्ट ड्राइव यहाँ पे अवेलेबल है, और भी जितने भी डिटेल्स है वो हमने आप सभी तक बताया है। आप जरूर से हमें बात करवाइए कि कौन यहाँ पर डिलीवरी लेने आए हैं, कस्टमर कौन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, लॉन्च हो चुका है, प्री बुकिंग ऑलरेडी यहाँ पर जो है कर ली गई थी, और इसी के साथ बुकिंग यहाँ पे कर ली गई है। हम आपको एक बार फिर से एड्रेस बता देना चाहते हैं, तो एड्रेस है बर्दवान रोड, दार्जिलिंग हीरो शोरूम, जो कि सिचुएटेड है विशाल मेगा मार्ट और रिलायंस के ठीक बीच में। ये जो शोरूम है ये सिचुएटेड है, यहाँ पर डिलीवरी लेने के लिए आप पहुंचे हुए हो। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपशेखर खाती है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आप स्विच कर रहे हो, या ये परचेज आप किस लिए करना चाहते हो? एक्चुअली मैं स्विच ओवर कर रहा हूँ, ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरा गाड़ी जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, और मैं सोचा कि क्यों ना ईवी का जनरेशन है, तो ईवी में क्यों हम लोग नहीं शिफ्ट होते। ओके, ठीक है, तो इसी के लिए ईवी में हम लोग, मतलब मैं, मेरा फैमिली बोला कि तुम ईवी में शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, मुझे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिसीजन, यस यस, दैट इज द मेन थिंग, कि एनवायरमेंट में कोई इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, और इसका एक चार्ज से हमको भैया ने बोला है मेरे को कि विद इन आप 6 आवर्स का अगर चार्जिंग करते हैं तो 110 किलोमीटर ये चला जाएगा जी। तो वो रीजन भी है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये, ठीक है, इसी के रीजन से मैं ये ईवी में शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। क्या ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है? तो मैं जरूर चाहूंगी, सुमित जी आप बताएं, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है? फाइनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी? सर्विसिंग का इसका ये नहीं है कि आपको हर 3 महीने में 6 महीने कराना पड़ेगा, इसका एक सब्सक्रिप्शन रहेगा जिसके हिसाब से आप अच्छा सर्विसिंग हम खुद कॉल करके आपको अपडेट कर देंगे कि आपको इस टाइम पे ये सर्विसिंग हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही तसल्ली के साथ में हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इस वक्त हम दार्जिलिंग हीरो शोरूम में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर चमचमाती ईवी की जो ग्रैंड लॉन्चिंग है वो हमने आपको दिखाई है, केक कटिंग किस तरीके से किया गया,
जब डिलीवरी आप यहाँ पे ले रहे थे यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आए हुए हैं जो ऑलरेडी प्री बुकिंग करवा चुके हैं, डिलीवरी उनके द्वारा आज लिया जा रहा है। कस्टमर से हमने बातचीत की है और भी जितने भी उसे हमने लेने की कोशिश की है और आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेरीज है उसको फुलफिल करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हो तब भी आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ के जितने भी स्टाफ है काफी हेल्पफुल है और यहाँ पर आकर आप टेस्ट ड्राइव भी जरूर से ले सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल्स की तो ऊपर कैप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी दिया गया है। एड्रेस प्रॉपर तरीके से मैं बार बार वीडियो के दौरान तो बता ही रही हूँ लेकिन कैप्शन में भी एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको आना है, टेस्ट ड्राइव करना है तो जरूर से शोरूम विजिट आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहे।